एवरीवन, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं हाई टी विद स्नेहा। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी है या बुक पढ़ी है तो आपने शायद कभी ना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म के बारे में सुना होगा। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जहाँ पर लोग बातें करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके वो बात करते हैं कि आप अपने किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप वंडर कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और कैसे मैं अपनी किसी भी डिज़ायर को फुलफिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत ही प्लेन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो बताने जा रही हूँ और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। अगर आप ये बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ जाते हो और अपनी लाइफ में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी कोई भी डिज़ायर हो, चाहे फिर वो मटेरियल डिज़ायर हो, जैसे कि आप एक बड़ा घर लेना चाहते हो, कोई बड़ा करियर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ मटेरियलिस्टिक आप डिज़ायर है जैसे बड़ा बैंक बैलेंस आप चाहते हो, कोई बड़ी गाड़ी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो आप डेफिनेटली फुलफिल कर सकते हो। और आजकल बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे लोग स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने की बातें करते हैं, मतलब लव रिलेशनशिप में कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो उसके बारे में बहुत बातें करते हैं। तो अगर आप ऐसा भी कुछ फुलफिल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी आपको कि जिस 3D वर्ल्ड में हम रहते हैं, जिस प्लैनेट अर्थ में हम रहते हैं, यहाँ पर स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करता है। तो आपकी कोई भी डिज़ायर हो डेफिनेटली आप उसको फुलफिल कर सकते हो, लेकिन चूंकि स्पेस और टाइम एग्जिस्ट करता है तो वो डिज़ायर फुलफिल होने में आपको कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब तक फुलफिल हो नहीं जाती तब तक ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको आप डेफिनेटली अप्लाई करते रहो, और डिवाइन टाइम आने पर, राइट टाइम आने पर आपकी वो जो डिज़ायर है वो डेफिनेटली फुलफिल होगी। यहाँ पर अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उस पर्सन की विल पावर, उसकी अपनी सर्कमस्टांसेस और उसकी खुद की लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो अगर वो भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी खुद की भी फिजिकल रियलिटी आती है सिनेरियो में, सिचुएशन में, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है, और वो कुछ डिले कर सकती है आपके उस पर्सन को अट्रैक्ट करने में। तो यहाँ पर ये सारे प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, कैसे आप अप्लाई करिए। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए एंड फिर हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जो कहता है कि आप अपने थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी और फीलिंग से जिस भी चीज पे फोकस करते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंको तो वो हमेशा नीचे अर्थ की तरफ ग्रेविटेट होती है, नीचे आती है, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लॉ ऑफ ग्रेविटी पे विश्वास करते हो, बिलीव करते हो या नहीं करते हो। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जहाँ पर ये जिस 3D वर्ल्ड में हम रहते हैं, सबसे पहली बात, ये सारी चीज़ें एनर्जेटिक हैं, इनमें एक एनर्जी है, इनमें एक वाइब्रेशन है, ये हमेशा वाइब्रेट कर रही हैं, और ये किसी के थॉट की मैनिफेस्टेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो फ़ोन जिससे मैं शूट कर रही हूँ या ये जो कप है, ये भी मटेरियल है, और इसके बारे में सबसे पहले किसी ने अपने माइंड में सोचा होगा, थॉट लाया होगा कि एक ऐसा फ़ोन है जो होना चाहिए जहाँ पे लोग रिकॉर्ड कर सकें, बातें कर सकें। तो किसी ने पहले अपने दिमाग में इसको सोचा, उस पर फोकस किया, उस पर अपनी एनर्जी लगाई, एक्सपेरिमेंट किए, एक्शन लिए, उसके बाद इन द प्रोसेस वो कई बार फेल भी हुए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कंटिन्यूस उस पर वर्क किया, फोकस किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्शन लिए, और एक राइट टाइम आने पर इस फ़ोन की डिस्कवरी हुई। तो
तो हर चीज आपके थॉट्स आपके माइंड में शुरू होती है, और अगर आप उस पर फोकस करते हो, एनर्जी डालते हो, आप उस पर एक्शन लेते हो, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो, चाहे आप फेल हो ना हो, अगर आप कंटिन्यू उस पर वर्क करते हो, तो आप उस चीज़ को एक राइट टाइम आने पर अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करते हो। इट इज़ एज सिंपल एज कि मैं किसी चीज़ को कंटिन्यूसली अपने दिमाग में सोच रही हूँ, वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है, वो बेकार भी हो सकती है मेरे लिए, मेरी हेल्थ के लिए, या वो मेरे एडवांटेज के लिए भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं बीमार हूँ या मुझे डर लग रहा है, अगर मैं कॉन्स्टेंटली इस थॉट पे बिलीव कर रही हूँ, अपना फोकस कर रही हूँ, तो विद इन अ फ्यू डेज मैं बीमार ज़रूर पड़ जाऊँगी। और ये सब आपके साथ हर बार हुआ होगा कि आपने सोचा होगा मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, या ये बड़ा इंटरव्यू आने वाला है, या मीटिंग आने वाली है, प्रेजेंटेशन आने वाला है, और कहीं मैं उससे पहले कुछ बीमार ना पड़ जाऊँ। और ऐसा हुआ होगा कि आप बीमार पड़ गए होगे, क्योंकि आप कंटिन्यूसली उस थॉट के बारे में सोच रहे हो, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, और आप उस पर फोकस कर रहे हो, उस पर अपने इमोशंस लगा रहे हो, तो आप उस थॉट को अपनी फिजिकल रियलिटी में अट्रैक्ट करोगे ही करोगे। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज। अब यहाँ हम बात करते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की जिस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3 करके बताऊंगी, और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ लेते हो तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझ आ जाएगा। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। इस प्रिंसिपल्स को समझ के आप अप्लाई करो अपनी लाइफ में, और आप कोई भी, जैसे मैंने कहा, डिज़ायर है, आप उसको फुलफिल कर सकते हो। नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन योर बिलीफ सिस्टम। एक्चुअली देखिए, जो हमारे बिलीफ होते हैं वो हमें बचपन में चाइल्डहुड से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, आपकी जिस एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग हुई है वहाँ से जनरेट होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा है और उसके घर में चारों ओर एक्टर्स हैं, उसके पेरेंट्स एक्टर हैं, या पॉलिटिशियन हैं, या टीचर हैं, या बिजनेसमैन हैं, तो उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होगी वो उसी एनवायरनमेंट में होगी, और वो बड़ा होकर मोस्ट लाइकली 99% एक्टर ही बनेगा। या अगर पॉलिटिशियन, हम कहते हैं ना, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, टीचर का बेटा टीचर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट 99% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हम उन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में फिल्टर करके लाते हैं, सोचते हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बिलीफ्स पे वर्क करता है। आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, आपको चाइल्डहुड में जो सिखाया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको चाइल्डहुड में ये सिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा मनी ईविल चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या बहुत ज़्यादा रिच लोग बिगड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मनी अच्छी नहीं है, या बहुत ज़्यादा लग्जरी भी अच्छी नहीं है, या आपको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में गलत बताया जाता है, जैसा भी आपको बिलीफ सिस्टम आपके बनाए जाते हैं, आप बड़े होकर वही विश्वास करने लगते हो, और वही आपका जो विश्वास है, बिलीफ है, वो आपकी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो नंबर 1, अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक बड़ा घर लेना चाहती हूँ, और लेकिन मैं बिलीफ सिस्टम मेरा ये कहता है कि बड़ा घर मैं कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उस फैमिली से नहीं आती, उस बैकग्राउंड से नहीं आती, कि मैं कभी इतना कमा ही नहीं पाऊँगी, मैं लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये जो बिलीफ सिस्टम है आपको कभी भी रिच नहीं होने देगा, और वो जो बड़ा घर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करने देगा। यू हैव टू चेंज योर बिलीव्स टू चेंज योर सर्कमस्टांसेस एंड योर सिचुएशन। तो बिलीफ सिस्टम को सबसे बड़ी बात आती है कि हम चेंज कैसे करें। ग्रेजुअली चेंज करिए। अगर आप रिच होना चाहते हैं तो ग्रेजुअली, सबसे पहले तो मनी के बारे में अपनी थिंकिंग चेंज करिए, अपना उठने बैठने का तरीका चेंज करिए, अपना एटीट्यूड चेंज करिए। आप किन लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके बिलीफ सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे फ्रेंड्स जो हैं
वो बहुत रिच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उनके जो थॉट्स हैं वो मेरे थॉट से मैच नहीं करते, तो वो जो आपके फ्रेंड्स हैं, हम कहते हैं ना कि आप किसके साथ उठते बैठते हो वो आपको दर्शाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करिए। देखिए आप कहाँ बैठ रहे हो, किससे दोस्ती कर रहे हो, वो दोस्ती आपको क्या लाइफ में सिखा रही है, आपकी मदद कर रही है कि नहीं। आप उन सबको चेंज करिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करिए। नंबर 2, एक लाइन में यहाँ पे कहूँगी, डोंट जस्ट थिंक, फील इट। ओके, आपने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे लोगों ने आपको कहा होगा विजुअलाइज करिए, विजुअलाइजेशन करिए, और वहाँ पर अपनी डिज़ायर के बारे में सोचिए। जब आप सोचते हैं तो आप उस डिज़ायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ यहाँ पर, डोंट जस्ट थिंक, विजुअलाइज। जब आप करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो डोंट जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट, यू हैव टू फील इट। आपको फील करना पड़ेगा, अपने इमोशंस डालने पड़ेंगे, आपको अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी, आपको उसमें अपने जो आपकी कहते हैं ना, आपको अपनी इमोशनल उसमें थॉट्स डालने पड़ेंगे। तो आप जब कुछ भी विजुअलाइज करते हैं या सोचते हैं, आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, तो डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट, उसको फील करिए। अपने विजुअलाइजेशन में, अपने मेडिटेशन प्रोसेस में आप फील करिए कि आप एक बड़े घर में रह रहे हैं, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, कैसे वहाँ पर आप डेकोरेट करेंगे, आप कैसे कर्टेंस लगाएंगे। यू जस्ट फील द होल थिंग। सो यू हैव टू पुट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस टू योर डिज़ायर। जब आप डिज़ायर्स में इमोशंस डालेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे और उसको फील करेंगे, तब वो एक्चुअली मैनिफेस्ट होगी और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको आपकी तरफ खींच के लेकर आएगा। नंबर 3, डोंट जस्ट फोकस, ऑब्जर्व थिंग दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। कहने का मतलब है कि सिर्फ नोटिस मत करिए, सिर्फ अटेंशन पे मत करिए, सिर्फ ऑब्जर्व मत करिए चीज़ों को। यू हैव टू एक्चुअली पुट योर फोकस इन टू इट। जिस चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ उसको सिर्फ एक झलक ऑब्जर्व करके देख लेने से या नोटिस कर लेने से वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन आप सारी चीज़ों को तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो विचार आते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ विचारों को लाने से और उनके चले जाने से आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं कोई एक बड़ा घर चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने जाकर रोड के किनारे कोई बड़ा घर देख लिया और विश कर लिया कि ऐसा एक घर होगा। नहीं, यू हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन इट, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। फोकस करने का मतलब है कि आप उसको विजुअलाइज करिए, एक्टिवली उसके बारे में सोचिए और उस पे एक्शन लीजिए। एक विजन बोर्ड आप बना सकते हैं, वहाँ पर उस घर की पिक्चर आप लगा सकते हैं, उसको कंटिन्यूअसली डे टू डे अपनी लाइफ में उसकी तरफ सोचिए कि ये घर मुझे चाहिए, मैं क्या ऐसे काम करूँ जिससे मैं इतना इतना कमा लूँ या इतने पैसे मेरे पास हों कि ये घर मैं बाय कर सकूँ। यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप थिंकिंग अबाउट इट। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ हमें चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम उस पर फोकस नहीं करते, एक्शन नहीं लेते उस पर, हम इमोशनली अपने थॉट्स को नहीं लगाते, एनर्जी नहीं लगाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं उस पर आप पूरी मेहनत करिए, फोकस करिए, अटेंटिवली उसके बारे में सोचिए, विजुअलाइज करिए, अपने इमोशंस लगाइए, एनर्जी लगाइए, और तब वो राइट टाइम आने पर मैनिफेस्ट होती है। नंबर 4, आपके खुद के थॉट्स अपने बारे में एक्चुअली आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने बारे में जो सोचते हो, जो लोगों को कहते हो, जो शेयर करते हो, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। कई बार हम कह देते हैं कि नहीं नहीं आई कैन नॉट अफोर्ड इट, और नहीं नहीं आई एम नॉट यू नो गुड इनफ फॉर दिस थिंग।
अगर आप ऐसा कोई भी थॉट, कोई भी सेंटेंस अपने बारे में बोलते हो तो वो आपका फ्यूचर डिफाइन करते हैं. सो आप क्या बोल रहे हो अपने बारे में वो एक्चुअली एक भविष्यवाणी होती है आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में. सो हमेशा जो वर्ड्स हैं उनको बहुत केयरफुली यूज़ करिए और उनको बहुत केयरफुली लोगों को कहिए, क्योंकि आपके खुद के थॉट्स और सेंटेंसेस, आपके खुद के वर्ड्स आपके फ्यूचर की भविष्यवाणी होते हैं. हमेशा याद रखिएगा, आप क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो खुद के बारे में, वो डिफाइन करता है आपका फ्यूचर. आपके इंटरनल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो मैटर करते हैं आपके आउटर सर्कमस्टांसेस से ज़्यादा. आप अंदर से क्या सोच रहे हो, आप अंदर से लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपने खुद के सराउंडिंग्स के बारे में क्या सोच रहे हो, दैट मैटर्स मोस्ट. सो हमेशा आप जो भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप खुद को उसके एलिजिबल समझो. आप खुद पे इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, और कभी भी उस चीज़ के बारे में नेगेटिव मत सोचो. और अपने जो इंटरनल सर्कमस्टांसेस हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं आपके, वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए. वो पहले से आप फील करिए कि वो चीज़ आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो. अगर आप बहुत बड़ा घर लेना चाहते हो तो आपके अंदर के जो विचार हैं वो ऐसे होना चाहिए कि आप ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर चुके हो. आप एक बिलियनर, मिलियनर, जो भी आप बनना चाहते हो वो ऑलरेडी आप बन चुके हो. वैसे ही थॉट्स अपने अंदर लाइए, अपने आप को बाहर प्रोजेक्ट करिए, एंड देन यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट दैट डिज़ायर. आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी जो सीड्स हैं, उसके जो प्लांट्स हैं, वो आपको अपने दिमाग में लगाने पड़ेंगे. मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक फील्ड, एक खेत समझिए, और जब तक कि वहाँ पर आप बीज नहीं डालेंगे, सीड्स नहीं डालेंगे, तब तक प्लांट्स नहीं उगेंगे. तो अगर आपकी कोई डिज़ायर है तो सबसे पहले उसको आपको अपने दिमाग में उस चीज़ के थॉट्स के रूप में सीड्स डालने पड़ेंगे, बीज डालने पड़ेंगे, तब वो एक प्लांट निकलेगा, तब आप उस पर वर्क कर सकोगे और तब आपकी फिजिकल रियलिटी में वो एग्जिस्ट करेगा. आपकी जो भी डिज़ायर है आपने लेट से उसको डिफाइन भी कर लिया, आपने उसके जो सीड्स हैं वो भी अपने दिमाग में डाल लिए. नाउ जब वो प्लांट निकला, जब आपको वो डिज़ायर जब मैनिफेस्ट होनी शुरू हुई या वो विचार आपके दिमाग में आने शुरू हुए, तो आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा. देखिए, कुछ भी बैठे बैठे आपको नहीं मिलेगा, यू हैव टू टेक एक्शन टुवर्ड्स इट. अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आप अपने डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे. तो सिर्फ बैठे रहने से, आपने शायद ये कहावत भी सुनी होगी, द सीक्रेट मूवी भी देखी होगी, उसमें कहा आस्क, बिलीव एंड रिसीव. यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, आस्क, बिलीव, टेक एक्शन एंड रिसीव. यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. अगर मुझे ऑफकोर्स कोई बड़ा घर चाहिए है तो मुझे उसकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा. मुझे कोई ऐसी जॉब करनी पड़ेगी, कोई ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा, कोई ऐसा कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा वर्क करना पड़ेगा जिससे मैं वो घर को परचेज कर पाऊँ. तो आपको जब आपकी डिज़ायर आपने सोच ली तो यू हैव टू ऑलवेज टेक एक्शन टुवर्ड्स इट. एक्शन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है. एक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो यूनिवर्स आपको बताएगी कि वो आपको एक्शन क्या लेना है, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू टेक एक्शन टुवर्ड्स इट. तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए मैं फिर बोलूँगी, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी. आप इसको मानो नहीं मानो, ये फिर भी वर्क करता है. और मैं बोलूँगी, अगर ये वर्क करता ही है तो इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करिए, रादर देन अपने डिसएडवांटेज के लिए. क्योंकि अगर आप नेगेटिव थॉट्स सोचते हो, उस पर अपनी एनर्जी डालते हो, अगर आप फियर में जी रहे हो या आप डिप्रेशन में जी रहे हो, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे. वहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना ही वर्क करेगा जितना पॉजिटिव चीज़ों पे वर्क करता है. इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं, जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, जब हम डिप्रेस होते हैं, तो वी अट्रैक्ट मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स, वी अट्रैक्ट मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. तो हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन याद रखिए 24/7 वर्क कर रहा है, और आपको इस
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो प्रिंसिपल है उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना है रादर कि ये आपके डिसएडवांटेज के लिए यूज़ हो। तो हमेशा अपने दिमाग में सबसे पहले तो एक क्रिस्टल क्लियर थॉट रखिए कि आपको चाहिए क्या है। उसके बाद डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट, टेक फील इट। ओके, डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू पुट योर इमोशंस, योर एनर्जी, योर फोकस टू दैट गोल, टू दैट डिज़ायर, एंड यू हैव टू टेक एक्शन टूवर्ड्स इट। एंड जब वो राइट टाइम आएगा, क्योंकि स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करता है जैसे मैंने आपको बताया, तो जब वो डिवाइन टाइम आएगा, जब वो राइट टाइम आएगा, तो आपकी जो वो डिज़ायर है, चाहे वो मटीरियल डिज़ायर हो, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने की डिज़ायर हो, वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगी। अगर वो स्पेसिफिक पर्सन आपकी तरफ नहीं आता है तो कोई और, मे बी अ बेटर पर्सन आपको मिलेगा अपनी लाइफ में। तो हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क कर रहा है, इसको याद रखिए और अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।